ये अखिलेश यादव यानी नेता विरोधी दल का रूम है, यहाँ पर वो बैठेंगे और यहीं से वो प्रदेश सरकार की नीतियों पर नजर रखेंगे। पहले ये रूम राम गोविंद चौधरी का था क्योंकि नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल वही थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव को नेता विरोधी दल चुना गया है। पहली बार वो विधानसभा सदस्य बने हैं और पहली बार वो हम कह सकते हैं कि यहां से बीजेपी सरकार की नीतियों पर नजर रखेंगे, उसकी आलोचना करेंगे और सदन में तमाम बातों को उठाएंगे। 18वीं विधानसभा के लिए विधान भवन भी तैयार है, जिस तरह से बदलाव हुए हैं उसको लेकर भी तैयारी पूरी दिख रही है। ये अखिलेश यादव यानी नेता विरोधी दल का रूम है, यहां पर वो बैठेंगे और यहीं से वो प्रदेश सरकार की नीतियों पर नजर रखेंगे। पहले ये रूम राम गोविंद चौधरी का था क्योंकि नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल वही थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव को नेता विरोधी दल चुना गया है। पहली बार वो विधानसभा सदस्य बने हैं और पहली बार वो हम कह सकते हैं कि यहां से बीजेपी सरकार की नीतियों पर नजर रखेंगे, उसकी आलोचना करेंगे और सदन में तमाम बातों को उठाएंगे। खास बात यह है कि अखिलेश यादव जब आज शपथ के लिए पहुंचे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नजर आया, उन्होंने हाथ मिलाया डिप्टी सीएम केशव मौर्य से भी, इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वो मिले और उन्होंने हाथ मिलाया। और यहां ये रूम है एकदम तैयार 18वीं विधानसभा के लिए। नेता विरोधी दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है विधानसभा में क्योंकि सभी बातों में उनको समान महत्व मिलता है। नेता सदन बोलते हैं और उसके बाद नेता विरोधी दल को सुनने के लिए भी वो मौजूद रहते हैं, अगर कोई खास विषय पर चर्चा हो तो। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार अखिलेश यादव खुद ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इस जिम्मेदारी के तहत वो तमाम मुद्दों को उठाएंगे। जैसा कि जब उन्हें चुना गया था समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल का नेता, तभी यह बात सामने आई थी और उनको नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता भी मिली है, मिल गई है। और अब यहीं से वो हम कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार, योगी सरकार पर निशाना साधेंगे सदन में और तमाम उन मुद्दों को उठाएंगे जिसकी उम्मीद विपक्ष के नेता से की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन।